स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 4 एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके सॉल्यूशन में जब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। तो इसमें क्या खासियत है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए के साथ कॉस बी के साथ साइन। अब दूसरी बार ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए के साथ साइन है बी के साथ कॉस है और हमको डिमांड किया है कि वैल्यू स्क्वायर की निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे इजी तरीका होता है हम स्क्वायर करके या तो ऐड कर दें, स्क्वायर करके या तो सब्ट्रैक्ट कर दें। हमको प्लस मांगा है, ठीक है, हमको प्लस मांगा है तो हमें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 4। मैं से इक्वेशन 1 दूंगी, ठीक है, और क्या है हमारे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। क्लियर है, इसे मैं इक्वेशन 2 दूंगी। अब हमें इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, क्या होगा मैं आपको ऐड करके बताती हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम जो पहले ऐड किया करते थे, दोनों इक्वेशन लिखते थे ऊपर नीचे, उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, अब वो पैटर्न भूल जाइए। अब आप 10th में हैं तो आपको डिफरेंट पैटर्न यूज करना चाहिए। ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके आपको ऐड करना है, तो आप अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे किया जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस लिख लीजिए क्योंकि आपको ऐड करना है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, पर मैं स्टिल 4 लिख रही हूँ। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का भी स्क्वायर अपन को करना है, तो फर्स्ट का स्क्वायर यहाँ, सेकेंड का स्क्वायर यहाँ, दोनों में मैंने प्लस कर लिया, मुझे ऐड करना है सेकेंड के स्क्वायर को। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे एडजस्ट किए। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, दोनों में प्लस क्योंकि हमने ऐड की बात कही है। सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, एलएचएस आरएचएस। क्लियर है, अब हम इसे ओपन करते हैं। स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ये पूरा हमारा ए का काम कर रहा है, ये पूरा हमारा बी का काम कर रहा है, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे ओपन करती हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। सिमिलरली यहां पे जो प्लस है वो मैं प्लस यहां लगा दूंगी क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया है। सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां ए है माइनस, यहां बी है, इसका होल स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। इसमें माइनस 2 ए भी रहता है बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। और आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस है हमारा 4 स्क्वायर मीन 16, 3 स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब यहां पे आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। क्लियर है, देख लीजिए, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इसमें माइनस में माइनस का है यहाँ पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे आगे सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिख लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें स्क्वायर ओपन होगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस, ध्यान दीजिएगा ये टर्म और ये टर्म सेम है, टू ए बी, टू ए बी कॉस साइन कॉस साइन, मैं इसे एक साथ लिख लेती हूँ ताकि कैंसिलेशन में ही आपको क्लियर समझ में आए, टू ए बी तो टू ए बी कॉस इंटू साइन हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद मैं ये टर्म्स लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, ये प्लस लिखा मैंने, ए साइन थीटा का स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर से मैं ये जो कोफिशियंट टर्म है इन्हें सामने लेती हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसे मैं पीछे ले लेती हूँ, टू ए बी, टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो रही RHS की बात, RHS हमें क्या मिल जाएगा 16 प्लस 9 25, क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, मैंने इसे अच्छे से लिख लिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे ए स्क्वायर इसमें से कहीं से कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ ए स्क्वायर इसके पास है, ए स्क्वायर इसके पास है तो मैं इसे कॉमन निकालूंगी, ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मिला और इसका एक और टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, किस किस में से कॉमन निकला है मैं उसे मार्क कर दे रही हूँ, ए स्क्वायर इसमें से और इसमें से निकला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बचे में से बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर निकाला, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये भी पूछ सकते थे कि मैंने ए स्क्वायर ही क्यों निकाला, बी स्क्वायर ही क्यों निकाला, आप साइन स्क्वायर भी निकाल सकते थे, कॉस स्क्वायर भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, आप एक बार साइन स्क्वायर निकालते एक बार कॉस स्क्वायर निकालते, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ब्रैकेट में मिलता, उसे फिर से कॉमन निकालते, एक स्टेप बढ़ जाती, इसलिए मैंने सीधा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या सारे टर्म हमको जो चाहिए थे ले लिए, दो टर्म कट चुके हैं और दो में से कैलकुलेट करके हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो हमने सारे टर्म का यूज कर लिया है, यहाँ पे क्या आया 25। अब हमें एक आइडेंटिटी और नजर आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं ए स्क्वायर इंटू 1 लेती हूँ प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 लेती हूँ इक्वल्स टू 25, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 जो लिया है उसके लिए फॉर्मूला जो है मेंशन करूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्लियर है, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह 1, अब ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें वैल्यू मिल चुकी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।